वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। जैसा कि पिछली क्लास में आपने लंग लकार अर्थात भूतकाल के बारे में आपने पढ़ा था, और आज की जो क्लास होगी उसमें आपका जो अगला लकार है लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक काल। तो सबसे पहले लोट लकार आज्ञार्थक काल, तो सबसे पहले इसमें जो काल्पनिक प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं उनको देख लेते हैं। काल्पनिक प्रत्यय, प्रथम पुरुष एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, अतो, अताम, अंतो, ए, अतम, अत, आनी, आव, आम। अब देखिए लोट लकार में इन काल्पनिक प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। वैसे इनको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, तू, ताम, अंतु, ए, अतम, अत, आनी, आव, आम। तो कोई भी धातु लीजिए, जैसे पठ धातु है, कुछ धातुओं के धातु रूप देख लेते हैं। पठ, पठ माने होता है पढ़ना, क्या होता है पठ माने पढ़ना, पठ धातु के रूप देखते हैं एक बार। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, अब देखिए इसमें हम मूल जो धातु है उसमें क्या जोड़ेंगे, अतु जोड़ना है, क्या जोड़ना है, अतु जोड़ना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए मूल जो धातु है पठ धातु है, इसमें हम अतु जोड़ेंगे तो धातु रूप क्या बनेगा, प्रथम पुरुष एक वचन में लोट लकार में पठतु क्या बनेगा। अब देखिए पठ धन अतु हम यहाँ जोड़कर देखते हैं तो इस ऐसे, तो ये ठे पूरा हो गया, उसके बाद क्या शेष बचा, तो इस प्रकार धातु रूप जो निर्मित होगा लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, पठतु, क्या होगा, पठतु, द्विवचन में पठताम, बहुवचन में पठंतु, इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में पठ, द्विवचन में पठतम, बहुवचन में पठत, उत्तम पुरुष एक वचन में पठानी, द्विवचन में पठाव और बहुवचन में पठाम। और देखिए देखने योग बात यह है लोट लकार में किसी भी पुरुष और वचन में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात विसर्ग नहीं लगता है। इस प्रकार अगली जो धातु देखते हैं, भू माने होता है होना, क्या होता है, भू माने होना। अब देखिए वचन तो ऊपर लिखे हुए हैं, केवल पुरुष लिख लेते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखिए भू धातु है तो भवतु,
भवताम भवन्तु भवतु भवताम भवन्तु भवे भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। इसी प्रकार और अन्य धातुओं के रूप देखते हैं, जैसे गम धातु है, गम गम का अर्थ होता है जाना, क्या होता है जाना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए गम का जो उपरूप है क्या होता है, गम का उपरूप गच्छ होता है, तो यहाँ जो रूप चलेंगे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छताम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। इसी प्रकार दा धातु, दा धातु का अर्थ होता है देना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ददातु, दत्ताम, ददतु, ददातु, दत्ताम, ददतु, देहे, दत्तम, दत्त, ददानि, ददाव, ददाम। इसके अलावा अगली जो धातु वो क्री, क्री का अर्थ होता है करना, क्या होता है क्री का अर्थ करना। यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुताम, कुरुतु, कर्वाणि, करवाव, करवाम। इस प्रकार देखिए दा धातु और क्री धातु के कुछ रूप अलग चलते हैं, इसलिए मैंने आपको इनको अलग से लिखा दिया है। इस प्रकार लोट लकार में और भी कोई धातु लेते हैं, जैसे हस धातु है, तो हस धातु के रूप यदि हम बनाएंगे लोट लकार में, तो यहाँ देखते हैं हस्तु, हसताम, हसंतु, हस, हसताम, हसत, हसानी, हसाव, हसाम। इस प्रकार चलेंगे। और भी कोई भी धातु हो, गम हो, पट हो, हस हो, प्रक्ष के बनाएंगे प्रक्षतु, प्रक्षताम, प्रक्षन्तु, प्रक्ष, प्रक्षताम, प्रक्षात, प्रक्षाने, प्रक्षाव, प्रक्षाम। तो ये लोट लकार का जो प्रयोग किया जाता है, लोट लकार आज्ञार्थक काल अथवा आज्ञा, जहाँ कोई आज्ञा दी जाए तो वहाँ किस लकार का प्रयोग किया जाता है, लोट लकार का प्रयोग
किया जाता है। और लोट लकार में जो काल्पनिक प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं वो अतु, अताम, अंतु, ए, अतम, अत, आनी, आव, आम। अब देखिए इसमें कुछ धातु रूप निर्मित करते हैं, उनको देखते हैं। जैसे पठ धातु, पठ धातु के हम रूप बनाएंगे, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। ऐसे भूके भवतु, भवताम, भवंतु, भवो, भवतम, भवत, भवानी, भवा, भवाम। आगे गम, गम धातु का अर्थ होता है जाना। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानी, गच्छाव, गच्छाम। ऐसे दा धातु है, दा धातु का अर्थ होता है दा, अर्थ होता है देना। तो इसके जो धातु रूप कुछ अलग निर्मित होते हैं, ददातु, दत्ताम, ददतु, देही, दत्तम, दत्त, ददानी, ददाव, ददाम। ऐसे क्रि धातु करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुताम, कुरोत, करवाणी, करवाव, करवाम। इस प्रकार लोट लकार में इस प्रकार धातु रूप निर्मित होते हैं। और धातुओं के रूप देखते हैं, नी, नी का अर्थ होता है ले जाना। क्या होता है? ले जाना। अब देखिए नी के, नी के, बद के, बद माने होता है बोलना, क्रीड के, क्रीड माने होता है खेलना, और हस माने होता है हंसना। अब देखिए इन धातुओं के रूप और देख लेते हैं कि इनके किस प्रकार निर्मित होंगे। जैसे नी धातु है तो नी, नी का लट, लोट और लंग में क्या हो जाता है? ने हो जाता है। क्या हो जाता है? ने हो जाता है। तो इसके रूप जो चलेंगे, नेतु, नेताम, नयंतु, ने, नेतम, नयत, नयानी, नयाव, नयाम। ऐसे बद धातु के बद का अर्थ होता है बोलना, बदतु, बदताम, बदंतु, बद, बदतम, बदत, बदानी, बदाव, बदाम। ऐसे क्रीड, क्रीड, क्रीड का अर्थ होता है खेलना, क्रीड के बने क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडंतु, क्रीड, क्रीडतम, क्रीडत, क्रीडानी, क्रीडाव, क्रीडाम। ऐसे अगली जो धातु है, हस धातु, हस, हस के जो बनेंगे, हस्तु, हस्ताम, हसंतु, हस, हस्ताम, हसत, हसानी, हसाव, हसाम। तो ये हो गए कुछ धातुओं के रूप लोट लकार में। इसके बाद इस लोट लकार के क्या देखते हैं? पहचान देखते हैं और कुछ वाक्य निर्मित करते हैं। अब देखें इस लोट लकार के क्या देखते हैं? पहचान। आज्ञा या निमंत्रण, आज्ञा या निमंत्रण अर्थ में, अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। अर्थात तो जहाँ कोई आज्ञा दी जाए या निमंत्रण दिया जाए तो उस आज्ञा देने के अर्थ में किस लकार का प्रयोग किया जाता है? लोट लकार का प्रयोग किया जाए। जैसे वह जाए, वह लिखे, वह पढ़े, तुम दोनों लिखो, तुम दोनों पढ़ो। तो इस प्रकार जहाँ आदेश दिया जाए वहाँ लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, बाइक, वह पुस्तक पढ़े, वे दोनों, वे दोनों विद्यालय
जावें, बेसब पानी पिए, तुम वहां बैठो, तुम दोनों घर जाओ, तुम दोनों घर जाओ, तुम सब गृह कार्य करो, तुम सब गृह कार्य करो, मैं घर जाऊं, हम दोनों पुस्तक पढ़ें, हम सब बैक लिखें, राम यहाँ बैठो, तुम उधर जाओ, मैं पाठ में अपना गृह कार्य करूं। अब देखिए, इस प्रकार के वाक्य निर्मित होते हैं लोट लकार में। जहां कोई आज्ञा दी जाए या निमंत्रण दिया जाए या आदेश दिया जाए तो वहां लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, पहला जो वाक्य है वह है पुस्तक पढ़े। तो सबसे पहले आपको कर्ता देखना है। कर्ता जो है प्रथम पुरुष एकवचन का है और पुल्लिंग का है। तो प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता क्या है? से। और पुस्तक क्या है? कर्म है। और कर्म में कौन सी विभक्ति लगाते हैं? द्वितीया। तो से पुस्तकम्। अब देखिए, धातु है पठ, पठ माने होता है पढ़ना, पढ़ना किस माने होता है? अब देखिए, पठ धातु के जो रूप चलेंगे लोट लकार में, मैंने आपके लिए जो काल्पनिक प्रत्यय बताए थे, अतु अताम अंतु ए अताम आत आनी आव आम, इस प्रकार बताए थे। तो पठ धातु है, पठ धातु का प्रथम पुरुष एकवचन में जो रूप बनता है वो बनता है पठतु। क्या बनेगा? पठतु, पठताम, पठंतु, पठ पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। तो से पुस्तकम पठतु, वह पुस्तक पढ़े, वे दोनों विद्यालय जावें। अब देखिए, कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है और वाक्य कौन से लिंग में? पुल्लिंग में। तौ विद्यालयम्। अब देखिए, जाना जावे अर्थात गम धातु है। गम धातु माने होता है जाना। क्या होता है गम माने? जाना। तो तौ विद्यालयम्। यह कर्ता हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होगी। और गम धातु के जो रूप चलेंगे, गच्छतु, गस्ताम, गच्छन्तु, किस प्रकार चलेंगे? गच्छतु, गस्ताम। तो द्विवचन कर्ता है, प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की प्रयुक्त होगी। तौ विद्यालयम् गच्छताम्।
अब देखिए अगला जो वाक्य है, वे सब पानी पिए, कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है और क्रिया जो है पीना, पीना किस माने होता है, किस धातु माने होता है, पा धातु माने होता है पीना, कौन सी धातु माने होता है, पा धातु माने होता है पीना। और ये आपको ध्यान रख, ये आपको ध्यान रखना किस धातु माने होता है पा, ये तो मूल धातु है लेकिन पा का जो उपरूप होता है क्या होता है पेब, क्या होता है। और मैंने आपको कई बार बता दिया कि लट लकार में, लोट में, लंग में और विधिलिंग में, इन चारों लकार में, लकारों में धातु के उपरूप के ही रूप चलते हैं, ना कि मूल धातु के। मूल धातु के रूप किस लकार में चलते हैं, इन चारों के अलावा जो रह गया वो किस है, कौन सा लकार है, लृट लकार भविष्यत काल है। अर्थात यहाँ जो धातु के रूप चलेंगे किसके चलेंगे, धातु के उपरूप के। अपेव धातु है अर्थात मूल जो धातु वो तो पा है, पा का उपरूप क्या है पेव है। तो लट, लट, लोट, लंग और बेदेलिंग, इन चारों लकारों में धातुओं के उपरूपों के रूप चलते हैं। अतः जिन धातुओं के कोई उपरूप नहीं होता तो जो मूल धातु उसी के रूप चलते हैं। अब देखिए पा धातु है, पा का उपरूप है पेव, तो उसके रूप जो चलेंगे पेवतु, पेवताम, पेवंतु, पेव, पेवतम, पेवत, पेवानी, पेवा, पेवाम। अब देखिए कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है टे। अब देखिए पानी को क्या कहा जाता है, जल, जलम। पा धातु है, कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की प्रयुक्त तो होगी, पिबंतु, वे सब जल पिए। अबे तुम वहां बैठो, तुम वहां बैठो। अब देखिए यह आदेश दिया जा रहा है तुम वहां बैठो। अब देखिए इसमें कर्ता क्या है, तुम है, अथवा मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है। मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या है, तुम, क्या है, तुम। वहां अथवा एक अव्यय पद है, अथवा कौन से अव्यय का अर्थ है वहां, तत्र, क्या है, तत्र। अब देखिए कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष। अब देखो बैठना स्था धातुमान होता है बैठना, कौन सी धातुमान होता है, स्था, स्था का जो उपरूप होता है वो होता है तिष्ठ, क्या होता है, तिष्ठ। अब देखिए इसमें जो रूप चलेंगे किसके चलेंगे, तिष्ठ के चलेंगे ना कि स्था के। स्था माने होता है बैठना, रुकना, ठहरना। अब देखिए तिष्ठ के रूप चलेंगे तो कर्ता हमारा मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। अब तिष्ठ के रूप चलेंगे, देखिए देखिए तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठम, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानी, तिष्ठाव, तिष्ठाम। तो क्या क्या बनता है मध्यम पुरुष एक वचन में, तिष्ठ, त्वम, तत्र, तिष्ठ, तुम वहां बैठो। इसके बाद में अगला जो वाक्य है वो है तुम दोनों घर जाओ, तुम दोनों घर जाओ। अब देखिए कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का है और क्रिया जाना है अर्थात गम धातु है, कौन सी धातु प्रयुक्त होगी इसमें, गम। तुम दोनों युवाम, ग्रहम, ग्रहम, गम धातु, गम धातु के रूप चलते हैं। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। अब देखिए कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन की प्रयुक्त होगी और द्विवचन में क्या रूप बनता है गच्छ धातु का, गच्छतम, ए अतम अत। अब अगला जो वाक्य है तुम सब गृह कार्य करो, तुम सब गृह कार्य करो। इसमें देखिए कर्ता क्या है, तुम सब है, क्रिया करो अथवा करना, करना किस धातु का अर्थ होता है क्री, किस धातु का अर्थ होता है क्री, क्री का अर्थ होता है करना। अब देखिए कर्ता जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का है, क्या है, यूयम,
क्या है मध्यम पुरुष बहुवचन का? योयम, गृह कार्य, गृह कार्यम, गृह कार्यम करोत, तुम सब गृह कार्य करो। अगला जो वाक्य है मैं घर जाऊं, अब देखिए इसमें क्या है, कर्ता क्या है मैं, और जाऊं क्या है क्रिया है, और घर क्या है कर्म है, क्या है कर्म है। तो उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता क्या है? अहम, क्या है? अहम। घर गृहम, अहम गृहम। अब देखिए कर्ता उत्तम पुरुष एकवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एकवचन की ही प्रयुक्त होगी। गम धातु मान होता है जाना, किस मान होता है? अब देखिए गम धातु के जो रूप हैं मध्यम उत्तम पुरुष एकवचन में जो बनता है गच्छतु, गस्ताम, गच्छन्तु, गच्छ, गस्तम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाम, गच्छाम, क्या बनता है उत्तम पुरुष एकवचन में? गच्छानि। इससे अगला जो वाक्य है हम दोनों पुस्तक पढ़ें। अब देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना है? कर्ता, कर्ता के बाद में क्रिया, और ये क्या है यहाँ? कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसको क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। तो पुस्तक क्या है यहाँ? कर्म है। और कर्म में कौन सी विभक्ति लगाते हैं? द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। अब देखिए हम दोनों जो कर्ता है उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या है? आवाम। पुस्तकम क्या है या कर्म है, और कर्म में कौन सी विभक्ति लगाते हैं? द्वितीया। आवाम पुस्तकम। अब देखिए पठ धातु मान होता है पढ़ना, पठ धातु मान होता है पढ़ना। अब देखिए पठ धातु के जो रूप चलेंगे लोट लकार में पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। अब देखिए जब कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की ही प्रयुक्त होगी। आवाम पुस्तकम पठाव, आवाम पुस्तकम पठाव। अब अगला जो वाक्य है वो है हम सब वाक्य लिखें। अब देखिए इसमें कर्ता क्या है? हम सब है। वाक्य क्या है? कर्म है। और लिखें क्या है? क्रिया है। अब देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या है? वयम, क्या है? वयम। वाक्य यहाँ कर्म है, वयम वाक्यम। अब देखिए कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी, अब देखिए लिखना किस धातुमान होता है? लिख, किस धातुमान होता है? लिख, लिख धातुमान होता है लिखना, क्या होता है? लिखना। अब लिख धातु के जो रूप चलेंगे लिखताम, सॉरी लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लेख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम, तो वयम वाक्यम लिखाम। इससे अगला जो वाक्य है राम यहां बैठो। अब देखिए राम प्रथम पुरुष एकवचन है, राम एक ही तो है, तो राम है यहां अत्र तिष्ठतु, क्योंकि राम जो है प्रथम पुरुष एकवचन का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन की ही प्रयुक्त होगी। राम है अत्र तिष्ठतु। अब अगला जो वाक्य है तुम उधर जाओ, त्वम, त्वम उते है। अब देखिए मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता है, क्रिया क्या है? जाना, क्या है? जाना। तो त्वम उते है गच्छ, तुम उधर जाओ। अगला जो वाक्य है मैं अपना गृह कार्य करूं, मैं अपना गृह कार्य करूं। अब देखिए मैं क्या है? कर्ता है। करूं क्या है? क्रिया है। जो करता है उत्तम पुरुष एकवचन का है, करता उत्तम पुरुष एकवचन का क्या है? अहम, क्या है? अहम। अब देखिए स्वे एक अव्यय पद है, स्वे क्या है? स्वे जिसका अर्थ होता है अपना, गृह कार्यम
गृह कार्यम। अब देखिए क्रि धातु, क्रि माने होता है करना, तो क्या आता है उत्तम पुरुष एकवचन में करवाणी, करवाणी करवा करवाम, अहम स्वगृहम करवाणी, मैं अपना गृह कार्य करूं। देखिए तो ये हो गया आपका लोट लकार। एक बार हम इसको पुनः देख लेते हैं। इसकी जो पहचान है वो है आज्ञा या निमंत्रण देने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाए, या जहां आज्ञा दी जाए या आदेश दिया जाए या निमंत्रण दिया जाए तो वहां लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में वह पुस्तक पढ़े, जैसे उदाहरण के रूप में वह पुस्तक पढ़े। अब देखिए सबसे पहले वाक्य निर्माण करते समय आपको जो देखना है कर्ता देखना है, क्या देखना है कर्ता, कर्ता के बाद में क्रिया, कर्ता का पुरुष देखना है, वचन देखना है कि कौन से पुरस्कार कौन से वचन का है, उसके बाद में ये देखना है बीच में जो पद है अर्थात यह क्या है, यहाँ कर्म है, क्या है कर्म है। तो सबसे पहले आपको कर्ता देखना है कि कर्ता कौन से पुरस्कार कौन से लिंगकार कौन से वचन का है। तो कर्ता यह है प्रथम पुरुष एक वचन का है, और क्रिया क्या है पढ़ना, क्रिया क्या है पढ़ना अर्थात पठ धातुमान होता है पढ़ना। तो जब हम अब देखिए प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या है पुल्लिंग में, से पुस्तकम पठतु। ऐसे अगला वे दोनों विद्यालय जामे, तव विद्यालयम गच्छताम। वे सब पानी पिए, ते जलम पिबंतु। तुम वहाँ बैठो, तुम तत्र तिष्ठ। तुम दोनों घर जाओ, युवाम गृहम गच्छतम। तुम सब गृह कार्य करो, यूयम गृह कार्यम कुरुत। मैं घर जाऊँ, एहम गृहम गच्छानि। हम दोनों पुस्तक पढ़ें, आवाम पुस्तकम पठाव। हम सब वाक्य लिखें, वयम वाक्यम लिखाम। राम यहाँ बैठो, रामे अत्र तिष्ठतु। तुम उधर जाओ, तुम उतहे गच्छ। मैं अपना गृह कार्य करूं, एहम स्वय गृह कार्यम करवाणी। इस प्रकार आपका ये लोट लकार यहाँ तक पूर्ण हो चुका है। तो यहाँ तक आपके चार लकार पूर्ण हो चुके हैं, लट लकार, लोट लकार, लृट लकार और लंग लकार। अब आपका जो अंतिम लकार रह रहा है विधि लिंग लकार, उसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। अच्छा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।